आज सीखेंगे कि फ़ोन से हम लोग गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा। जस्ट गूगल से आपको क्या टाइप करना है, गूगल फॉर्म टाइप करना होगा। गूगल फॉर्म टाइप कर दीजिए। गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद आप गूगल फॉर्म साइन इन, इसको आप क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरफ का एक फॉर्म खुल गया, ये है आपका गूगल फॉर्म। अब इसको कैसे बनाएंगे और कैसे शेयर करेंगे वो भी दिखा देंगे। जो ऑन टाइटल है, ये मेन टाइटल है आपका, जो कि फॉर्म का नाम है। ओके, इसको सपोज आप दे सकते हैं, आपका सपोज आप साइंस का क्वेश्चन बना रहे हैं या हिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं साइंस और कोई भी रीजन के लिए जो भी आप, ये टाइटल है। दूसरा वाला वो आपका जो क्वेश्चन है कि आप एक डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है, कि कुछ भी आप लेना चाहते हैं, बच्चों से या टीचर से या कोई भी ऑफिस स्टाफ से कुछ भी डाटा आप लेना चाहते हैं, तो ये आप टाइटल रख सकते हैं। जैसे सपोज मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा यूनिट टेस्ट। फॉर्म डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ये किसके लिए है, कौन सा चैप्टर से है, सपोज चैप्टर नंबर 1, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ऑन टाइटल क्वेश्चन आ गया। ऑन टाइटल क्वेश्चन से आप लिखेंगे, क्वेश्चन आप दे सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, जैसे लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस दो ऑप्शन दे देंगे। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि आप शॉर्ट आंसर टाइप की पैराग्राफ क्वेश्चन, कौन सा टाइप का क्वेश्चन देना चाहते हैं आप इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस में सिलेक्ट करता हूँ, लेट से मैं मल्टीपल चॉइस करता हूँ, तो दो ऑप्शन दूंगा ट्रू एंड फॉल्स में। ये ट्रू है और फॉल्स है, आप लिख सकते हैं ट्रू और दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो दो ऑप्शन दे दिया। सपोज ये ऑप्शन आप स्ट्रेट लाइन है, ट्रू है, तो आप इसको एज ए टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपको इधर जाके इसको एज ए क्विज कन्वर्ट करना होगा। सेटिंग पे जाके आपको क्विज पे जाके मेक दिस एज ए क्विज करना होगा, तब आपको इस ऑटो करेक्शन फॉर्म में बना पाएंगे, ठीक है। सेव कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ब्लू टिक है इसको क्लिक कीजिए, तो आप इसमें पॉइंट दे पाएंगे ये क्वेश्चन कितना मार्क्स के लिए। सपोज 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट दे दीजिए। ये ऑप्शन ट्रू है, ये ट्रू पे क्लिक कर दीजिए, डन कर दीजिए। ये जो आप ट्रू किए, ये आप बच्चों को नहीं दिखाएगा, बट बच्चों जब आंसर करने के बाद वो लोग व्यू रेस्पॉन्स करके कौन सा सही कौन सा गलती हुआ है वो सब देख पाएंगे, ठीक है। और ये जो रिक्वायर्ड है नॉट रिक्वायर्ड है, ये आपका क्वेश्चन मीन्स आप रिक्वायर्ड में क्लिक कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों को अटेंड करना ही पड़ेगा, वो स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये डिलीट है और ये वाला आपका कॉपी है, ये कॉपी है, ये डिलीट है, ओके। और कौन सा सही गलत आंसर देखने के लिए ये वाला आपको चूज करना होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में कुछ इमेज भी डाल सकते हैं, ये वाले ऑप्शन क्लिक करके आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इंसर्ट इमेज आएगा, आप इमेज क्वेश्चन में कुछ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं कैमरा से डायरेक्ट उठा के कुछ इमेज दे सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, तो क्वेश्चन ये जो प्लस मार्क है आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये प्लस मार्क पे ऐड करके नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हैं। आप यूट्यूब का कुछ या दूसरा कुछ वीडियो डालना चाहते हैं, तो ये वीडियो पे क्लिक करके आपको ये वाला वीडियो पे क्लिक करके आप आ सकता है, वीडियो दे सकते हैं। सपोज प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा।
और सेम क्वेश्चन को आप रिपीट करना चाहते हो तो ये कॉपी कर सकते हैं, ये वाला सिंबल यूज करके आप कॉपी कर सकते हैं एक क्वेश्चन को, ये वाला सिंबल नेक्स्ट आ जाएगा फिर से, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आप ऐड करेंगे। आपका जब क्वेश्चन बन गया फिर आप बच्चों को शेयर कैसे करेंगे, ये जो थ्री डॉट्स देख रहे हैं थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, ओके, नहीं तो ये वाले ट्रायंगल जो है इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले क्या होता है ना, सपोज आधा क्वेश्चन बनाए, तीन क्वेश्चन लिखे हैं, बाद में फिर से इसको आप देखना चाहते हैं तो आपको इसको गूगल ड्राइव में सेव, और ये ऑटो देखिए जैसे मेरा ये मेल लिंक्ड है SUBH4397@gmail.com, तो ये मेल से मैं गूगल फॉर्म बना रहा हूँ, आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कौन सा मेल से आप गूगल मेल बना रहे हैं, गूगल फॉर्म बना रहे हैं ना, ये मेल के साथ ये फॉर्म लिंक है, तो मैं ये मेल के साथ जो गूगल ड्राइव लिंक होगा वो ड्राइव में जाऊँगा तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक सेव हो गया होगा। और आप चाहते हैं ये फॉर्म को एक लोकेशन में पर्टिकुलर गूगल ड्राइव के अंदर सेव करने के लिए तो भी आप सेव कर सकते हैं, सपोज आप बाद में यूज करेंगे, अभी बना लिए चार पांच क्वेश्चन, कल उसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं, ओके। इधर आप सेव करेंगे, मूव टू ए फोल्डर करके आप इसको सेव कर देंगे एक फोल्डर गूगल ड्राइव के अंदर, ये देखिए माई ड्राइव, ये मेल के साथ मेरा ये सब ड्राइव के अंदर फोल्डर है, तो ये फोल्डर किसी भी फोल्डर के अंदर मैं क्लिक करूँगा और ये फाइल को सेव कर दूँगा, बाद में मैं गूगल ड्राइव के अंदर जाके ये फॉर्म देखूँगा तो वो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। उसके बाद और एक ऑप्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन बनाएं और दूसरा किसी कोलाबोरेटर भी रख सकते हैं, सपोज किसी के साथ कोलाबोरेशन करके बनाएंगे, आप कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, आपका कॉलीग या दूसरा कोई कुछ 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 क्वेश्चंस लिखेगा और या वो इस फॉर्म को एडिट कर पाएगा, तो आप ऐड कोलाबोरेटर कर दीजिए, उसका मेल को इधर ऐड कर दीजिए और वो एक्सेप्ट करने के बाद ये फॉर्म का वो भी एक पार्ट बन जाएगा, वो भी बना पाएगा इस फॉर्म का, कुछ एडिट कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही सब ऑप्शंस जैसे जैसे है कॉपी कर पाएंगे, और नेक्स्ट आप इसको शेयर कैसे करेंगे, ठीक है। शेयर आप ये जो ट्रायंगल जैसे मैं बोला, ट्रायंगल पे क्लिक करके आप इसको शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये मेल कर सकते हैं ये लिंक जो कि बच्चे कर पाएंगे, नहीं तो इस पे क्लिक कीजिए, ये वाले में आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे लिंक क्रिएट होता है, इस पे क्लिक कीजिए, ये जो लिंक क्रिएट हो गया है उसमें कॉपी मार दीजिए, और आप गूगल क्लासरूम में दे रहे हैं या व्हाट्सएप में लिंक भेज रहे हैं या कहीं पे टेलीग्राम पे लिंक भेज रहे हैं, आप लिंक भेज सकते हैं, और आपको जो भी आप ऑप्शंस जो भी आप आपको रेस्पॉन्स चाहिए, जो भी डाटा आपको कलेक्ट करना है एक ग्रुप से, पर्टिकुलर ग्रुप से, आपका एम्प्लॉयज से, तो आपको वो डाटा आपको मिल जाएगा, और डाटा मिलने के बाद आप रेस्पॉन्स में देख सकते हैं कि क्या क्या रेस्पॉन्स आया है। और सपोज आप एक टाइम फ्रेम दे दिए आपका एम्प्लॉयज़ को कि मुझे ये आप लोग से मुझे ये डाटा चाहिए और 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप लोग इसको भर दीजिए 5 बजे तक, और मैं डाटा नहीं लूँगा, तो 5 बजे के बाद आप क्या करेंगे, ऑटो टाइम भी दे सकते हैं पर मैनुअली क्या कर सकते हैं भी बंद कर सकते हैं, ये एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स जो है उसको आप क्या करेंगे बंद कर देंगे, उसके बाद क्या है ना, और कोई भी गूगल फॉर्म भर नहीं पाएगा, जो भी आप जिसको भी भेजे होंगे वो और गूगल फॉर्म को भर नहीं पाएगा, ठीक है। और बाकी आप एक्सेल शीट में सपोज इस जो भी रेस्पॉन्स आपको मिला है उसको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करके रखना चाहते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं तो आप ये जो ग्रीन बटन देख रहे हैं प्लस साइन, इस पे आप क्लिक करने से आपको ऑल द डाटा जो भी डाटा सब लोग भरे हैं वो आपको एक्सेल शीट में स्प्रेडशीट के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गूगल फॉर्म रेस्पॉन्स एंड सेव कहाँ होगा, तो सारे चीज़ हम दिखा दिए, फिर भी आप गूगल फॉर्म के बारे में कुछ डाउट्स होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं और एक वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ये गूगल फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।